ये बड़ी विडंबना है। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंश कश्यप अवतार का प्रतीक महादेव का शिष्य नारायण का अनन्य भक्त देवादिदेव आप परंपरा तो देखिए। सूर्य पुत्र जो संपूर्ण चराचर जगत को जीवन देता है छाया सूर्य कश्यप पुत्र देव और दानवों को उत्पत्ति के कारण ऋषि कश्यप है कश्यप पुत्र कश्यप वंश कश्यप अवतार का प्रतीक महादेव का शिष्य और नारायण का भक्त परंपरा देखिए। ये चंद तथाकथित व्यापारियों की भाषा हो सकती है इसे नहीं प्रतिकूल फल प्रदान करता है मैं इसको स्वीकार नहीं करता। शनि शत्रु नहीं मित्र ये संदेश लेकर पिछले 40 साल से इस राष्ट्र में सेवा करूं। शनि शत्रु नहीं मित्र भाग्य विधाता है कर्म के दाता संपूर्ण आनंद समग्रता प्रेम भक्ति सौहार्द शुक्र समाधि और सुमरणी का प्रतीक देवादिदेव शनिदेव कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उसी से आप है भी इस भ्रम से बाहर आओ परम न्यायाधीश है कर्म सुधारो कुकर्मों से बचो माता पिता की सेवा धर्मानुशासन राष्ट्रीय प्रेम ओम शाम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राष्ट्र कहना चाहता हूँ कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना किस प्रकार भुगतना यह काम देवादिदेव शनि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना किस प्रकार भुगतना है मात्र इतना काम कर्म आपके अंदर कैसे और कब फल मिलना यह काम देवादिदेव मात्र न्याय करते ना अच्छा ना बुरा परम न्यायाधीश है इसलिए कर्मों में सुधार लाओ कुकर्मों से बचो इस राष्ट्र प्रेम करो अपने माँ बाप की सेवा करो जीवन खुशियों से भरा शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं अपने कुकर्म से भयभीत होने की जरूरत इसलिए व्यापारियों की भाषा में मत आए कर्मों का अवलोकन बहुत जरूरी निज के भीतर भीतर में देखना बहुत जरूरी हम कहाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करके कर्मों में सुधार लाते हुए जो मनुष्य समय निकाल कर ओम नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः या ओम नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम इमागर्दम छायामार्तम शंभुतम तम नमामिन्दु या ओम नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय कदावि नीला सूर्यपुत्र दिग्देहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रसादम पीड़ा हतम या ओम शाम शनैश्चराय नमः इसी मंत्र का जाप करता है तो भीतर का कुछ जितना भीतर की जो गंदगी वो बाहर आ जाएगी सहज और सरल हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शनि पीड़ा से ग्रस्त है और कर्मों में सुधारते हुए यदि निर्धन गरीब बेचारा व्यक्ति को भोजन का दान देता है तो देवादिदेव शनि बहुत प्रसन्न जो मनुष्य हमेशा माता पिता के चरण स्पर्श करता है देवादिदेव शनि बहुत प्रसन्न जो मनुष्य हर रोज सुबह नहा धोने के बाद 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक पीपल के तेल में जलाता है और ओम शाम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करके परिक्रमा करता है भगवान शनिदेव बहुत उत्तम फल प्रदान और जो जिस व्यक्ति को देवादिदेव शनिदेव की कृपा प्राप्ति करी हो घर की रोटी पहली रोटी पर गुण रखकर गाय को हर रोज खिलाता है भगवान शनिदेव यदि कैरियर कारोबार व्यापार नौकरी या जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो अद्भुत उपाय है दशरथ का शनिदेव प्रातकाल नित्य कर्म नौ स्नान और सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्त्रोत की 11 पाठ कर नमः कृष्णा नीला ऐसे कंठाय नमो नमो नमः कालग्नि रूपाय प्रतंचाय जन नमो ये हिंदी में भी है श्याम वर्ण वाले हे नीलकंठ वाले स्वीकारो नमन मेरे स्वीकारो भजन मेरे दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ कर पाठ करने के उपरांत किसी निर्धन गरीब व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो जीवन सदा खुशहाली आप बोलते शनि से डरने की जरूरत नहीं मनुष्य स्वयं अपना अवलोकन करे जो मनुष्य अपना अवलोकन करता है वो कभी भगवान शनिदेव से नहीं डरता और जो मनुष्य माँ बाप की सेवा नहीं करता राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं और आचरण अच्छा नहीं है क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए तो मेरा तो यही कहना कि देवादिदेव शनिदेव की अंगुली उठाने से पहले करी एक बार अंगुली अपने को उठा के देखो कि गलती कहाँ हो रही है आश्चर्य मेरे दोस्त फिर से कोई ये संसार छुपाने की पत्रकार है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि 4 साल की बच्ची रोड पर नहीं चल पा रही क्या दंड नहीं मिलना चाहिए जो माँ हमें 9 महीना गर्भ में पालती है अपने रक्त से सींच ली उस माँ को गर्भ में ही मार दिया जाता है कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध का दंड नहीं मिलना चाहिए जिस राष्ट्र के हम नागरिक है हम उस राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है क्या दंड नहीं मिलना चाहिए मनुष्य को अपने कर्मों का अवलोकन करना चाहिए अंगुली उठाने से पहले एक बार भीतर जागना चाहिए क्या हम राष्ट्र के प्रति वफादार है जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया क्या हम उनके प्रति वफादार है क्या हम राष्ट्र के साथ अपने धर्म और आचरण के प्रति वफादार है और नहीं है फिर ये सवाल नहीं उठा दंड क्यों मिला कुंडली की बात करें कुंडली में अगर शनि प्रतिकूल है
फिर मैं जालसा करूंगा। कुंडली में शनि प्रतिकूल नहीं होता, कर्म को प्रतिकूल, कर्मों के आधार पर प्लेसमेंट ग्रहों की होती है। ध्यान रखिएगा, कर्म आपके कैसे, क्योंकि आज के कर्म कल का भाग्य बनता है। कर्मों के आधार पर जन्म कुंडली का नाखा का तैयार होता है। यदि देवादिदेव शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल फल प्रदान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म प्रतिकूल है, इसलिए प्रतिकूल फल प्रदान। बिल्कुल सुधर है, मैंने उपाय बताया, संसार का सबसे उत्तम उपाय है, तीन सूत्र मेरे हैं, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम, और अद्भुत मंत्र है ओम शाम शनिश्चराय। खाली साल भर कोई व्यक्ति मंत्र को अपना के देखे जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी।